एक दो और ये तीन। ये देखो यार, पहले लाइव प्रूफ देख लो। यहाँ पे मैंने अपनी वेबसाइट्स ओपन कर रखी है, कुछ वेबसाइट जिन पे एडसेंस का अप्रूवल है। सभी के सभी मैं आपको शो नहीं करूंगा, लेकिन कुछ यहाँ पे कर दूंगा। ओके, यहाँ पे मैं अगर आपको एडसेंस पे ले चलूँ, यहाँ पे मैं दिखा दूँ, ये देखिए helptimesofficial.blogspot.com। ओके, यहाँ पे फ्री की डोमेन है, इस पर भी एडसेंस है। theevents2020.com ओके, यहाँ भी है। इसके अलावा मैंने ये दो शब्द मैंने इसकी बना रखी है, इन पर भी एडसेंस है। ओके, यहाँ पे मैं आपको कुछ ही शो करने वाला हूँ, तो पहले ये देख लो। ये देखो यहाँ पे theevents2020.com ओके, यहाँ पे इस पे गूगल के एड्स है। उसके बाद अगर दूसरी वेबसाइट पे आ जाए तो यहाँ भी आपको गूगल के एड्स देखने को मिल जाएंगे। ओके, ये देखिए। तो यार उसके अलावा अगर तीसरी वेबसाइट पे आते हैं, यहाँ भी आपको गूगल के एड्स देखने को मिल जाएंगे। ओके, अगर ये और अगर ये फ्री वाली वेबसाइट पे आते हैं blogspot.com पे, ओके, यहाँ भी आपको एड्स मिल गए। ओके, यहाँ पे अगर एक और फ्री की वेबसाइट है, ओके, फ्री की डोमेन मैंने ली है इस पे .gq, ओके, यहाँ भी आपको एड्स देखने को मिल जाएंगे। लेकिन फ्री की डोमेन जो है वो वर्डप्रेस पे काम नहीं करेगी, वहाँ पेड डोमेन काम करेगी। ओके, ये अपने माइंड में बिठा लेना। एक दो और ये तीन। ओके, यहाँ पे मुझे तीन अभी फिलहाल मिले हैं, इसके अलावा भी है लेकिन वो अभी मुझे मिल नहीं रहे। ओके, ऐसे ही मिलते हैं, मैं आपको किसी वीडियो में दिखा दूंगा कि मेरे पास टोटल कितने एडसेंस के अकाउंट्स हैं। ओके, यहाँ पे यार मैं आपको बता दूँ, अगर वर्डप्रेस पे आप काम करते हो तो इस वीडियो को पूरा देख लेना, ब्लॉगर पे काम करते हो तभी देख लेना, क्योंकि ये ट्रिक दोनों प्लेटफॉर्म्स पे काम आने वाली है। ओके, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, इस वीडियो में जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जो वेबसाइट, ओके, ये मेरी सबसे पहली वेबसाइट थी यार जिस पे मैंने एडसेंस का अप्रूवल लिया था। मुझे आज भी याद है, 2 से 3 दिन के अंदर मुझे इस वेबसाइट के ऊपर एडसेंस का अप्रूवल मिल गया था। ओके, यहाँ पे मैंने तकरीबन 35-40 आर्टिकल्स पोस्ट करे थे, तब जाकर मैंने अप्लाई करा। 3 दिन के अंदर तकरीबन मैंने सारा काम कर लिया था। ओके, फिर मैंने अप्लाई करा, उसके बाद नेक्स्ट 2 डेज या 3 डेज के अंदर मुझे एडसेंस का अप्रूवल मिल गया था। ओके, वीडियो में लाइव प्रूफ आपको दिखा देता हूँ, देख लेना। ओके, इसके अलावा पहले कुछ बता दूँ वो सुन लो यार, मेरे यहाँ पे इसके अलावा .blogspot.com पे, फ्री की डोमेन .gq की 2 डोमेन्स है मेरे पास, उन पे भी मैंने एडसेंस का अप्रूवल ले रखा है। ये मैंने सारा लाइव प्रूफ दिखा रखा है। ओके, इसके अलावा यार वर्डप्रेस के ऊपर मैं आपको बता दूँ, ये जो डोमेन है elitepeople.com, ओके, इस पे मैंने एडसेंस का अप्रूवल लिया था, लेकिन अब ये जो वेबसाइट है 1 साल से तकरीबन ज़्यादा हो चुका है, ये मेरी होस्टिंग और जो डोमेन थी दोनों की दोनों एक्सपायर हो चुकी है, ये मैंने रीन्यू नहीं करवाई क्योंकि मैं उस पर काम नहीं करता था। ओके, क्योंकि न्यूज़ वेबसाइट थी तो मुझे नहीं लगता वहाँ पे इतनी आप अर्निंग कर सकते हो, इसलिए मैंने वहाँ पे काम करना छोड़ दिया। ओके, यहाँ पे एक इवेंट्स वाली वेबसाइट है, ओके, theevents2020.com, ओके, यहाँ पे इस वेबसाइट के ऊपर भी मैंने एडसेंस का अप्रूवल लिया, वो भी मैं आपको बताऊँ मैंने कैसे लिया। वो मैंने ब्लॉगर पे वेबसाइट बनाई, ओके, कस्टम डोमेन उस पे ऐड की .com की, 3 दिन के अंदर मैंने 17 आर्टिकल पोस्ट किए, देन मैंने अप्लाई कर दिया एडसेंस अप्रूवल के लिए। 1 दिन के अंदर मुझे एडसेंस का अप्रूवल मिल गया। फिर मैंने क्या किया, ब्लॉगर से वेबसाइट को लिया और उसे मूव कर दिया, शिफ्ट कर दिया वर्डप्रेस के ऊपर। ओके, देन मैंने क्या किया, उसके ऊपर 2 सब डोमेन्स बनाई, सब डोमेन्स के ऊपर भी मैंने एडसेंस का अप्रूवल लिया। ओके, सब डोमेन्स के ऊपर भी एडसेंस का अप्रूवल लिया। तो यार आज भी उन वेबसाइट्स पे मैं थोड़ा बहुत काम कर रहा हूँ। तो इसके अलावा यार मैं आपको बता दूँ, इस तरह की मजीद वीडियोज़ आप लोगों के लिए आती रहेगी। आपने क्या करना है यार, मुझे सपोर्ट करना है सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को, और साथ में प्रेस कर देना है बेल के आइकन को। मैं सपोर्ट करता रहूँगा आपको, आप लोगों के लिए इस तरह की डिफरेंट तरह की वीडियोस बना के। ओके, यहाँ पे ऐसी वीडियोस आपको कोई और बंदा नहीं देगा, ना आपको बताएगा कैसे आपको एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा। ओके, कोई बंदा अपनी पर्सनल टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर नहीं करेगा जो वो यूज़ करता है। ओके, तो आपका भाई यहाँ पे टाइम टू टाइम आप लोगों के साथ शेयर करता रहता है, तो उसके लिए यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम को वेस्ट किए। तो आपने ये देखे गाइस, मैं पहले आपको दिखाता हूँ कि मेरा एडसेंस अप्रूवल जो है ये आ चुका है। ये जो ईमेल आ चुकी है इनकी गेट स्टार्टेड की, कि एडसेंस जो है अप्रूवल हो चुका है। अब मैं यहाँ से एड्स लेता हूँ एडसेंस अकाउंट से और यहाँ पे लगा देता हूँ। ये देखे गाइस, ये मेरा अकाउंट है एडसेंस का। इसको मैं जो है ज़्यादा देर शो नहीं करवा सकता, क्योंकि आपको भी पता है मेरी जो है इस वीडियो पे स्ट्राइक आ सकती है, एडसेंस पे भी स्ट्राइक आ सकती है। तो गाइस बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आपने कैसे लेना है एडसेंस अप्रूवल, सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर। तो गाइस इन चीज़ों को आपने फॉलो करना है एडसेंस अप्रूवल लेने के लिए। आपने जो है अपनी वेबसाइट को जो है यूज़र फ्रेंडली बनाना है सबसे पहले, और उस पर जो है कुछ पेजेस वगैरह ऐड करने हैं इस तरह से।
और जो आपकी डोमेन होनी चाहिए गाइस, सबसे पहले बात करते हैं डोमेन पे। डोमेन आपकी जो है वो बाय वाली होनी चाहिए, फ्री डोमेन नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी फ्री डोमेन है तो गाइस कभी भी आपका एडसन अप्रूवल नहीं हो सकता। जो लोग कहते हैं फ्री डोमेन पे एडसन अप्रूवल दे देता है, वो फेक है, कोई एडसन अप्रूवल नहीं मिलता। तो आपने सबसे पहले डोमेन जो है बाय वाली लेनी है, उसके बाद जो है होस्टिंग बाय वाली लेनी है। तो गाइस उसके बाद जो बात आती है आपकी वेबसाइट जो है, यहाँ पे नॉट सिक्योर नहीं आना चाहिए, सिक्योर आना चाहिए, लॉक लगा होना चाहिए। तो उस पर भी मैंने एक वीडियो बना के रखी है कि जो अपनी वेबसाइट के लिए फ्री SSL जो है कैसे गेट करना है। तो अगर आप वो भी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जाके गाइस आप ये वीडियो देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए गाइस, इस पर मैंने वीडियो बना रखी है। तो ये है गाइस हमारी वो वीडियो, आपने मेरे चैनल पे जाना है और देख लेना है, हाउ टू गेट फ्री SSL सर्टिफिकेट। तो इस तरह से आप जो है अपनी वीडियो अपनी वेबसाइट पे जो है SSL सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तो गाइस उसके बाद बात आती है हमारी जो इस पे पेजेस ऐड करने हैं आपने, वो गाइस आपके जो पेजेस है वो ऐड होने चाहिए, चाहे वो हेडर में हो चाहे फुटर में हो। आपके ये जो चार पेजेस है, फोर पेजेस है, ये मस्ट होने चाहिए। ये कौन से है, अबाउट अस का पेज है, कॉन्टैक्ट अस है, उसके बाद प्राइवेसी पॉलिसी है और डिस्क्लेमर का पेज है। ये चार पेजेस आपके होने चाहिए अगर आप एडसन का अप्रूवल चाहते हैं तो। और उसके बाद जो है आपके थीम के नीचे जो है ये आपका पावर्ड बाय जो है आपका अपना होना चाहिए थीम जो है, यानी बाय वाला होना चाहिए, फ्री वाला नहीं होना चाहिए। अगर फ्री भी है तो आप यहाँ पे जाके इसे चेंज कीजिए, अपना जो है आपकी वेबसाइट का नेम उस नेम से यहाँ पे सेट कीजिए। तो गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को कीजिए लाइक, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वीडियो पे कीजिए कमेंट, अगर चैनल पे न्यू है तो इसे कीजिए सब्सक्राइब ताकि आपको भी ऐसी वीडियो मिलती रहे। तो कैसी लगी है यार आपको हमारी आज की ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी कर देना। चैनल पे पहली दफ़ा आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बने बेल के आइकन को दबा देना। नेक्स्ट बात करते हैं किसी और वीडियो में।